अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हम स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंस की चेक करते हैं और डेफिनेशन ऑफ ए सिस्टम स्टेट क्या होती है। देखिए, स्टेट स्पेस इक्वेशन जो है हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस प्रोवाइड करती है, और जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है वो सेट ऑफ स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। उनका अल्जेब्रिक सम या हमें उनका कॉम्बिनेशन हमें मिलता है, जो कि हमारे सिस्टम की फिजिकल सिस्टम के आउटपुट वेरिएबल्स को दिखा रहा होता है, ठीक है। तो मतलब ये है कि जब हम स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं जी, हम इंटरनल इनर स्पेस वेरिएबल हमारे सिस्टम के अंदर अपने स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। स्टेट वेरिएबल जैसे x1, x2, x3 होते हैं, ये स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जो किसी सिस्टम का t=0 से लेकर t=t0 तक हमें रिस्पांस बताते हैं, ठीक है। और ये सिस्टम के कंप्लीट डायनामिक्स बताते हैं। हम किसी भी मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम हमारे पास इस तरह आ जाते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं, ये हमारे पास सेट ऑफ इनपुट से इनपुट u1 u2 u3 आते हैं, और इसी तरह आउटपुट y1 y2 y3 आ जाते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट वेरिएबल्स उसकी मदद से हमारे पास आ जाते हैं। हमारे पास क्या, ये देखिए ना, जैसे ये एक से ज्यादा इनपुट्स हैं, इस तरह एक से ज्यादा आउटपुट्स हैं। अब मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम काफी कम्प्लेक्स सिस्टम है, इससे हम क्या करते हैं, अगर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम क्या करते हैं, n सिंगल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बना देते हैं। एन सिंगल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं यूजिंग स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स क्या है, ये स्मॉलेस्ट वेरिएबल्स हैं जो x1 x2 xn तक जाते हैं, ठीक है। स्टेट स्पेस की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, स्टेट स्पेस की इक्वेशंस चेक करते हैं, इसका मॉडल क्या होता है, ठीक है। देखो, स्टेट स्पेस की जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो x.ax+bu, ठीक है। y(t)=cx(t+du)t, ठीक है। ये t क्या मतलब है, टाइम के लिहाज से चेंज हो रहा है, तो इसको डायनामिक इक्वेशंस भी कहते हैं। ये पहले वाले को हम स्टेट इक्वेशन कहते हैं, दूसरे वाले को हम क्या कहते हैं, आउटपुट इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें x क्या है, स्टेट वेक्टर है, ठीक है, और x डॉट क्या है, स्टेट वेक्टर का डेरिवेटिव। u क्या चीज है, हमारा इनपुट वेक्टर है, ठीक है। y इस केस में क्या चीज है, आउटपुट वेक्टर है। a जो है वो स्टेट मैट्रिक्स है, b इनपुट मैट्रिक्स है, c आउटपुट मैट्रिक्स है, और d क्या है जी, डायरेक्ट ट्रांसमिशन मैट्रिक्स, या इसे फीडबैक मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। अब वही इक्वेशन यहां लिखी गया है, यहां पे हमने क्या किया जी, हर एक की डायमेंशन बताई है। देखिए, जो भी वेक्टर होता है ना, वेक्टर उसमें एक ही कॉलम हो, जैसे ये देखें, ये इनपुट वेक्टर है, ये इनपुट वेक्टर का डेरिवेटिव है, ये हमारा सॉरी ये स्टेट वेक्टर है, इसी तरह ये इनपुट वेक्टर है, ये आउटपुट वेक्टर है, ठीक है। स्टेट वेक्टर एन क्रॉस वन का हो गया, एन नंबर ऑफ रोज एंड वन कॉलम। इनपुट वेक्टर्स एन आर नंबर ऑफ रोज और एक ही कॉलम। इसी तरह वाई ऑफ टी जो है, आउटपुट वेक्टर है पी नंबर ऑफ रोज और एक ही कॉलम। अच्छा, एक्स ऑफ जीरो क्या मतलब है, इसकी इनिशियल कंडीशन, x1 ऑफ 0 x2 ऑफ 0, यानी कि x(n)(0), हर एक ही सिर्फ पहली कंडीशन हमें चाहिए होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, सिंगल ऑर्डर इक्वेशन बना लेते हैं। ए जो है हमारा स्टेट वेक्टर है, वो हमेशा एन क्रॉस एन का स्केयर मैट्रिक्स होगा, और ए मैट्रिक्स से हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ए मैट्रिक्स से हम सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं, इसके आइगन वैल्यूज निकाल के, ए इनवर्स निकालने में भी काफी हेल्पफुल होता है। बी जो है हमारा इनपुट वेक्टर है, ठीक है, ये एन क्रॉस, अच्छा ए हमेशा स्केयर मैट्रिक्स होगा, इसके अलावा लाजमी है कोई भी स्केयर मैट्रिक्स हो, ठीक है। बी हमारा इनपुट वेक्टर है, ठीक है, एन क्रॉस वन, ज्यादातर इसमें एन नंबर ऑफ रोज होती है और कॉलम ज्यादातर वन ही होता है, ठीक है। बी जो सी जो है, इस केस में आउटपुट वेक्टर है। पी क्रॉस
इसमें ज्यादातर एक रो होती है और कॉलम ज्यादा होते हैं। ठीक है, डी डायरेक्ट ट्रांसमिशन मैट्रिक्स है जो पी क्रॉस और होता है। ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन मैट्रिक्स। ठीक, आगे देखते हैं। ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट स्टेट स्पेस मॉडल। देखिए इस इक्वेशन जो स्टेट स्पेस मॉडल की जो इक्वेशन है एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, y is equal to cx plus du, इसकी ब्लॉक डायग्राम बनाए तो कैसे बने। ये जो x है ये स्टेट वेक्टर है और ये इंटरनल है ना। इस केस में जो y है वो आउटपुट है और u क्या है वो इनपुट है। ठीक है, अब हमने ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें u इनपुट हो और y क्या हो आउटपुट हो। अब देखें जो y बन रहा है y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। अब देखें यहां से इंटरनली हमने x ले लिया c, उसके साथ c मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दिया प्लस डी यू है, u इनपुट है, इसके साथ d मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्ट ट्रांसमिशन मैट्रिक्स। ठीक है, और इन दोनों को आपस में ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा y बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू है। ठीक है, x डॉट जो है वो क्या इक्वल है x के साथ a मल्टीप्लाई कर। यहां पे हमने कहा था डमी वेरिएबल x ले लिया, x के साथ जब हमने a मल्टीप्लाई किया और उसको उसमें ऐड कर दिया u के साथ b मल्टीप्लाई करके तो वो क्या बना x डॉट। ठीक है, x डॉट बन गया। अब देखें x डॉट और x दोनों इंटरनल वेरिएबल्स हैं। अब x डॉट से x बनाना हो तो क्या करते हैं यहां पे हम इंटीग्रेशन डाल देते हैं ऐसे ना, या इंटीग्रल ऑफ dt डाल दें या 1 ओवर s का मतलब भी इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, 1 ओवर f लैप्लास डोमेन में होती है। अगर आप सिंपली इंटीग्रल ऑफ dt डाल दें तो x का डॉट का इंटीग्रल क्या बन जाएगा x बन जाएगा। तो इसी तरह हम स्टेट वेरिएबल को इंटरनली जनरेट कर लेंगे x डॉट का इंटीग्रेशन लेके x बना दिया। ठीक है, अब देखें यही चीज वो शो की गई है ना, x डॉट को इंटीग्रेट करें तो हमें क्या मिल जाता है x मिल जाता है। आउटपुट कैसे मिलती है, c के साथ x मल्टीप्लाई कर दें और प्लस u मल्टीप्लाई कर दें d के साथ। ठीक है, x डॉट कैसे मिलता है, x को जब a से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस b को u से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इस तरह हम इसको अब ब्लॉक डायग्राम मॉडल बनाते हैं। इसको यहां से इंटीग्रेशन लगा दें, ठीक है, या आप 1 ओवर s करके इस तरह लिखा दें। ठीक है, 1 ओवर s इसका मतलब भी इंटीग्रेशन ही है। अच्छा, स्टेट स्पेस जो है इस इक्वेशन से हम क्या करने जा रहे हैं जी, ट्रांसफर फंक्शन ड्राइव करने जा रहे हैं। ड्राइव ट्रांसफर फंक्शन नाम स्टेट स्पेस इक्वेशन। स्टेट स्पेस इक्वेशन से हम ट्रांसफर फंक्शन की इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए स्टेट स्पेस की हमारे पास इक्वेशन होती है x x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू और y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। जब लैपलास लिया तो हमने x डॉट का क्या बना s x ऑफ s माइनस x ऑफ जीरो। अगर इनिशियल कंडीशन को जीरो हम कंसीडर करें तो ये क्या बनेगा s x ऑफ s। अब a x ऑफ t है तो इसका क्या बनेगा a x ऑफ s। इसी तरह u of t का u of s बन जाएगा। अब देखें यहां इसमें इन दोनों में x कॉमन है तो ये क्या उधर चला जाएगा, उधर माइनस हो जाएगा। जब माइनस हो जाएगा तो इक्वेशन क्या बनेगी बनेगी s x of s माइनस a x of s। ठीक है, माइनस a x of s बन जाएगा। जब माइनस a x of s बनेगा तो ये इक्वेशन यहां पे लिख दी एस एक्स ऑफ एस माइनस ए एक्स ऑफ एस। ठीक है, ये ए क्या ए एक्स ऑफ एस उधर जाए कि क्या हो गया माइनस हो गया। जब ये माइनस हो गया तो इन दोनों में से एक्स ऑफ एस कॉमन लिया जा सकता है। जब इन दोनों में से एक्स ऑफ एस कॉमन ले लिया तो यहां क्या बनेगा एस आई और आगे माइनस ए, एस आई माइनस ए बनेगा। आई क्यों लिखा, क्योंकि एस में से सीधा सीधा ए माइनस नहीं कर सकते, एडिशन के लिए जो मैट्रिक्स है उसकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम होने चाहिए। एस एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें से माइनस मैट्रिक्स पूरा माइनस नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं
एस के साथ आई मल्टीप्लाई कर देते हैं, एस आई माइनस ए लिख देते हैं। ठीक है, ये जो एस आई माइनस ए है इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड जो है मैट्रिसेस के केस पे हम क्या करते हैं, इनवर्स लेके मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो इधर उधर जाके डिवाइड होगा उसको क्या लिखेंगे, एस आई माइनस ए का इनवर्स। ठीक है, मैट्रिक्स में हमेशा नीचे करके नहीं डिवाइड करते होते हैं, हम क्या करते हैं जी उसका इनवर्स लेके मल्टीप्लाई करते होते हैं। ठीक है, तो एक्स एस एक्स ऑफ एस बना एस आई माइनस ए का इनवर्स बी यू ऑफ एस। ये बी यू ऑफ एस तो वही है ना पहले दूसरी तरफ लिखा हुआ है। अब आउटपुट इक्वेशन देखें, वाई वाई ऑफ एस इज इक्वल टू सी एक्स ऑफ एस प्लस बी यू ऑफ एस। y of s is equal to c x of s plus b u of s। x इस केस में स्टेट वेरिएबल है, x को रिप्लेस कर दिया इस इक्वेशन से, x की जगह क्या लिख दिया c, x की जगह क्या लिखा c के साथ x i of s, c के साथ मल्टीप्लाई कर दिया x सारे को। जब c के साथ सारी ये चीज x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा, c s i माइनस a का इनवर्स प्लस b u of s। ये चीज लिख दी सी एक्स आई माइनस ए का इनवर्स प्लस बी यू ऑफ एस, दोनों में कॉमन है तो यू ऑफ एस बाहर निकाल। ठीक है, डी इसके साथ भी यू ऑफ एस है, अब इसके साथ भी यू ऑफ एस है, दोनों में यू ऑफ एस कॉमन है तो उसको बाहर निकाल। तो ये क्या बना सी एस आई माइनस ए का इनवर्स बी प्लस डी यू ऑफ एस। अब इसमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना हो तो ये इनपुट है, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो आउटपुट बाय इनपुट बना सी एस आई माइनस ए का इनवर्स बी प्लस डी, है ना। तो हमने स्टेट स्पेस की मदद से जब हमने ट्रांसफर फंक्शन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले एस आई माइनस ए फाइंड करते हैं, फिर उसका इनवर्स लेते हैं। ठीक है, उसका इनवर्स लेने के साथ उसके प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं सी, और जो आंसर आता है उसके साथ बी पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, और एंड पे उसमें डी ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, ट्रांसफर फंक्शन बन जाता है। या एस आई माइनस ए इनवर्स फाइंड कर लें, उसके साथ पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कर लें बी की, और जो आंसर आए उसके साथ प्री मल्टीप्लीकेशन कर लें सी की। ठीक है, दोनों तरह से हम इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी क्या होती है ये देखते हैं, और स्टेट स्पेस की मदद से ये चीजें कैसे चेक की जाती। देखिए, स्टेट स्पेस हमारे पास आती है x इज इक्वल टू एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, और y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस टी यू। अब एक सिस्टम कंट्रोलेबल तब होता है जब t इज इक्वल टू टी नॉट से लेकर किसी भी वैल्यू टी वन तक उस सिस्टम को हम क्या करें, कंट्रोल कर सके। ठीक है, मतलब कोई ऐसी इनपुट एग्जिस्ट करती हो, से यहाँ पे जैसे x1 बताया गया, कोई ऐसी इनपुट x1 एग्जिस्ट करती है जो t इज ग्रेटर देन जीरो से लेकर t1 तक ले जाती है। x1 जो है क्या करती है, t नॉट से लेकर सिस्टम को कह देती है t1 तक ले जाती है। अगर x1 जो है t नॉट से लेकर t1 तक ले जाती है तो सिस्टम कंट्रोलेबल होगा, और अगर नहीं लेके जाती तो सिस्टम क्या होगा, अनकंट्रोलेबल होगा। स्टेट स्पेस की मदद से ये कैसे चेक करते हैं, अब देखें x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू है, इस तरह y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस टी यू। कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स जो होता है सी, कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स सी जो है वो b, उसमें पहला कॉलम जो होता है b का बनता है, दूसरा कॉलम बनता है a को जब b से मल्टीप्लाई कर दें, तीसरा कॉलम बनता है ए स्केयर को जब बी से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह चलते जाते हैं a रेज टू पावर n माइनस वन तक। यानी कि अगर हमारे पास थर्ड ऑर्डर सिस्टम है तो हम क्या करेंगे, b a b और a स्केयर b निकालेंगे। ठीक है, दो इस a रेज टू पावर टू तक जाएंगे, n माइनस वन लिखा हुआ है। इसी तरह अगर फोर्थ ऑर्डर सिस्टम है तो a रेज टू पावर थ्री तक जाएंगे, a a b मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a स्केयर b मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a क्यूब b मल्टीप्लाई करेंगे। ए स्केयर बी कैसे फाइंड करेंगे, ए बी के साथ एक और ए मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स होगा ये हमारे पास एक हमेशा स्केयर मैट्रिक्स होगा, जिसका पहला कॉलम बी, दूसरा कॉलम ए को जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तब, तीसरा कॉलम इसके साथ जब एक और ए मल्टीप्लाई कर देंगे, चौथा कॉलम जब एक और ए मल्टीप्लाई करते हैं तब तक ही।
और ए की पावर एन माइनस वन तक। अच्छा, इससे ये सिस्टम तब कंट्रोलेबल होगा जब ये मैट्रिक्स फुल रैंक मैट्रिक्स हो। ठीक है, इस कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स फुल रैंक मैट्रिक्स हो तब वो सिस्टम कंट्रोलेबल होता है। फुल रैंक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है, आसान अल्फाज में ये समझे कि जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो ना हो वो मैट्रिक्स फुल रैंक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, या प्रॉपर तरह से ये समझे कि इसकी कोई भी एक रो से दूसरी रो ना बनाई जा सके, या किसी दो के कॉम्बिनेशन से तीसरी रो ना बनाई जा सके, या किसी भी दो के कॉम्बिनेशन से तीसरी या तीन के कॉम्बिनेशन से चौथी रो ना बनाई जा सके, यानी कि सारी के सारी रोज इंडिपेंडेंट हो तो वो फुल रैंक मैट्रिक्स होता है। इसी तरह ऑब्जर्वेबिलिटी देखते हैं। ऑब्जर्वेबिलिटी ये होती है कि हमारे पास सिस्टम में कोई एक ऐसी इनपुट हमारे पास एग्जिस्ट करती हो कि जिसकी मदद से हम इनपुट से दूसरे वाले एक आउटपुट से दूसरे आउटपुट तक हम सिस्टम को क्या करें, ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है, एक जो सिस्टम है कंट्रोलेबल हो वो लाजमी नहीं है ऑब्जर्वेबल भी हो। जैसे देखिए, नेचुरल सिस्टम के अंदर हमारा सूरज है वो ऑब्जर्वेबल तो है, ठीक है, लेकिन एक आम बंदे के लिए वो कंट्रोलेबल नहीं है। आप अपने मर्जी से सूरज नहीं निकाल सकते हैं ना, तो वो ऑब्जर्वेबल है। इसी तरह फॉर एग्जांपल, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं तो आपका पहिया जो है, गाड़ी का पहिया या जो भी उसका व्हील है, वो आपके अपने लिए वो सिस्टम ऑब्जर्वेबल नहीं है, क्योंकि आप ड्राइविंग सीट पे पहिए के ऊपर बैठे हुए ना सीट के ऊपर। लेकिन वो कंट्रोलेबल है, आप एक्सेलरेटर की मदद से क्या कर रहे होते हैं, उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो कोई भी सिस्टम लाजमी नहीं है कि वो कंट्रोलेबल हो तो वो ऑब्जर्वेबल भी हो। कोई सिस्टम ये भी हो सकता है कि ऑब्जर्वेबल हो कंट्रोलेबल ना हो, या कंट्रोलेबल हो और ऑब्जर्वेबल ना हो, या दोनों हो या दोनों ना हो। ठीक है, ऑब्जर्वेबिलिटी देखते थे, ऑब्जर्वेबिलिटी चेक करते हैं ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स से। ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स होता है, सबसे पहले वाली रो में सी लिख देते हैं, पूरी रो सी से बन जाती है, दूसरे के साथ सी को ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तीसरे में सी ए स्क्वायर आ जाते हैं, इसी तरह सी ए रेस पावर एन माइनस वन तक जाते हैं। ये ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स है। अगर ये मैट्रिक्स फुल रैंक मैट्रिक्स हो तो वो सिस्टम क्या होता है, ऑब्जर्वेबल होता है। फुल रैंक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कभी भी जीरो नहीं होता, पहली इसकी निशानी, दूसरा फुल रैंक मैट्रिक्स में से किसी एक रो से दूसरी रो नहीं बनाई जा सकती। अच्छा, अगर हम सिस्टम को कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म या ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म में ले जाएं, तो कंट्रोलेबल में ले जाएं तो वो सिस्टम कंट्रोलेबल होगा, इस तरह ऑब्जर्वेबल फॉर्म में ले जाएं तो वो क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑब्जर्वेबल हो जाएगा। जैसे ये देखें, ये कंट्रोलेबल फॉर्म है एक सिस्टम के ना, देखें इसमें सबसे नीचे वाली लाइन पे वैल्यूज हैं, ठीक है, और यहां पे इस डायगोनल के ऊपर, ओरिजिनल वाला डायगोनल से छोड़ के अपर डायगोनल के ऊपर, डायगोनल के ऊपर वाली वैल्यूज क्या है, वन 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 वन। अगर किसी सिस्टम का हम स्टेट मैट्रिक्स इस तरह रिप्रेजेंट कर सकें तो वो सिस्टम हमेशा कंट्रोलेबल हो, और ये वाली फॉर्म जो है इसको हम कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। इसमें क्या होता है जी, सबसे नीचे वाली लाइन के ऊपर वैल्यूज होती हैं, ये वाला सारा जीरो होता है। अब देखें, आप अपने अंदाजे से ये काट दें और ये नीचे वाली लाइन काट दें, और ये सारी ऊपर क्या है, ये आइडेंटिटी है, इसके ऊपर आइडेंटिटी डालते हैं, ये पहली रो पहला कॉलम और लास्ट रो डाल दें और बाकी ये देखिए सारी आइडेंटिटी है ना। इस तरह की कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म होती है। इसी तरह ऑब्जर्वेबल फॉर्म में उसका उल्टा होता है, कंट्रोलेबल में यहां पे वैल्यूज थी, ऑब्जर्वेबल में उसमें लास्ट रो के ऊपर वैल्यू थी, इसमें लास्ट कॉलम के ऊपर सारी वैल्यूज आ जाती। जब लास्ट कॉलम के ऊपर सारी वैल्यूज आ जाती हैं तो उसमें क्या करते थे, फर्स्ट रो एंड लास्ट कॉलम छोड़ते थे, फर्स्ट कॉलम एंड लास्ट रो काट देते थे। पिछले केस में देखे ना, फर्स्ट कॉलम एंड लास्ट रो काट दें तो ये बाकी सारी आइडेंटिटी बन जाती थी। इसमें हमने उसी का उल्टा काम करना है, पहले वाली रो और आखिरी वाला कॉलम काट देना, तो ये देखिए ये सारी आइडेंटिटी है ना, इसके डायगोनल के ऊपर वन 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 है। अगर हम इस फॉर्म में ले आए तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा जी, कंट्रोलेबल हो जाएगा। ठीक है,
ये तीसरी ऑप्शन होगी। इसके अलावा हम कंट्रोलेबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं, जो सी मैट्रिक्स है या ओ मैट्रिक्स, ऑब्जर्वेबिलिटी चेक करनी हो तो हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का रैंक चेक करते हैं। इसका रैंक चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, या इसका डिटर्मिनेंट चेक कर लें या ये चेक कर लें किसी एक से दूसरी कोई वैल्यू अगर नहीं बन ली तो भी ठीक है। और आखिरी ऑप्शन क्या है, आप चेक कर लें कंट्रोलेबल फॉर्म कैनोनिकल फॉर्म में है तो वो कंट्रोलेबल है, और अगर ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म में है तो वो सिस्टम ऑब्जर्वेबल होगा। अच्छा, इसी तरह एक डायगोनल कैनोनिकल फॉर्म भी होती है जिसमें सिर्फ डायगोनल के ऊपर वैल्यूज एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जो काफी सिस्टम का क्या होता है जी, इनिशियल कंडीशन या इनिशियल रिस्पॉन्स के लिए बड़ी फ्रूटफुल होती है। अब कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी की एक एग्जांपल करते हैं। हमारे पास ए और बी की वैल्यूज हैं, ठीक है। कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स क्या होता है, बी, उसके बाद ए भी आ जाता है, फिर ए स्क्वायर भी आ जाता है, फिर ए क्यूब आ जाता है, जब हम चलते जाते हैं ए रेज्ड पावर एन माइनस वन तक। अब ये मैट्रिक्स हमेशा, ए वाला मैट्रिक्स हमेशा एन क्रॉस एन का होता है, तो यहाँ पे ये क्या है, टू क्रॉस टू का है, तो हमारे पास एन इसका क्या है, टू है। जब एन की वैल्यू टू है तो हम क्या जाएंगे, ए रेज पावर वन इंटू बी तक जाएंगे। एन वन होता तो सिंपली बी ले लेते, एन थ्री होता तो ए स्केयर बी भी लेता, ठीक है। इस तरह यहां सी ए स्केयर भी लेता। कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स में सबसे पहले क्या कर दिया जी, बी लिख दिया, बी की क्या वैल्यू है, जीरो वन, यहां पे जीरो वन लिख दिया, ठीक है, पहले कॉलम में जीरो वन लिख दिया। अब दूसरे में ए को जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे, जब वन जीरो वन जीरो वन से मल्टीप्लाई होगा तो वन आएगा, इस तरह वन जीरो जब जीरो वन से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आएगा। ये मैट्रिक्स बन गया हमारे पास। जब ये बना, अब देखें इस पहले वाले कॉलम से दूसरा कॉलम नहीं बनाया जा सकता है ना, इसी तरह पहले वाली रो से दूसरी रो नहीं बनाई जा सकती, तो ये इसका रैंक कितना है, वी का रैंक कितना है, टू है, ठीक है, इसका रैंक टू है। और इसकी डायमेंशन कितनी है, डायमेंशन एन टू क्रॉस टू का, तो इसकी डायमेंशन भी टू है। ये देखिए ना, एन डायमेंशन कितनी थी, टू थी, और रैंक भी कितना है, टू है। जब रैंक भी टू है, डायमेंशन भी टू है, तो ये फुल रैंक मैट्रिक्स हो गया। जब ये फुल रैंक मैट्रिक्स हो गया तो हमारा सिस्टम क्या होगा जी, कंट्रोलेबल। इस तरह ऑब्जर्वेबिलिटी में क्या, पहले वाली रो में सी लिखते हैं, सी कहां पे आई जी है, जीरो वन लिख दिया। दूसरे वाली रो में क्या देखते हैं, सी को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, जब सी को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो पहले क्या आ जाएगी, देखे ना, जब ये जीरो वन, ये सी को जब एक, यानी कि सी पहले आएगा ए बाद में आएगा, जीरो वन जब वन जीरो जीरो वन, जब जीरो वन से मल्टीप्लाई होगा तो वन आ जाएगा, इस तरह जीरो वन जब वन जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो यहां जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ये जीरो वन है, नीचे वन जीरो है, इससे हम नीचे वाला नहीं बना सकते, इसी तरह इस कॉलम से दूसरे वाला कॉलम नहीं बना सकते, ठीक है। जब इसका एक कॉलम से दूसरे वाला कॉलम नहीं बना सकते तो इसका क्या हुआ जी, रैंक क्या हुआ, टू हुआ, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है तो रैंक क्या होगा, टू होगा, डायमेंशन भी इसकी टू है, तो ये फुल रैंक मैट्रिक्स है। जब ये फुल रैंक मैट्रिक्स है तो सिस्टम क्या हुआ जी, ऑब्जर्वेबल भी है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया था, डिटर्मिनेंट चेक करें, डिटर्मिनेंट देखा जीरो माइनस वन, तो माइनस वन डिटर्मिनेंट है, इसी तरह इसका डिटर्मिनेंट भी माइनस वन है, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो इसका मतलब है ये फुल रैंक मैट्रिक्स है। इसी तरह तीसरा ऑप्शन क्या जी, कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म या ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म, वो भी होते हैं। जैसे ये देखें, एक सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है, उसकी एक्स एक्स डॉट ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो वन माइनस टू माइनस थ्री और वन जीरो के वन। अब ये देखें, ये जो है जब जीरो है यहां पे, कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म में क्या होता था, नीचे वैल्यूज आती थी और यहां पे क्या होता था, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता था। आप पहले वाले कॉलम को छोड़ देते थे और सबसे एंड वाली रो को छोड़ देते थे, ऊपर यहां पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता था, तो यहां पे ए की वैल्यू आ गई तो वहां वन डाल दिया। इसी तरह ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म में क्या होता था जी, सबसे एंड वाले कॉलम के ऊपर वैल्यूज होती थी और यहां पे जीरो आता था, इस जगह के ऊपर सीधे वाली लाइन में सारे जीरो होते थे इसके अलावा, तो और यहां पर क्या आ जाएगी, वन आ। इसी तरह अगर ये देखो कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म में है
तो ये सिस्टम कंट्रोलेबल होगा, इस तरह ये ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म में है तो ये ऑब्जर्वेबल होगा। इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, जब बी ले लिया, बी और ए भी ले लिया, ठीक है, पहले बी क्या है चीज, ये सीधा सीधा 01 लिख दिया, यहाँ पे 01 लिख दिया, जब ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो 1 और -3 आ गया। अब 01 से 1 और -3 नहीं बनाया जा सकता, तो इसका रैंक कितना जी 2 है, इसका रैंक 2 है, डायमेंशन भी कितनी है 2 है। देखिए सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, जब सेकंड ऑर्डर सिस्टम में रैंक भी 2 है, डायमेंशन भी 2 है, तो सिस्टम कंट्रोलेबल होगा। इसी तरह ऑब्जर्वेबिलिटी चेक करते हैं, सबसे ऊपर वाली रो में सी लिख दें, नीचे क्या करते हैं सी को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाली रो में सी लिख दिया, जब सी को ए से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 1 को जब 0 -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया, इसी तरह 2 1 को जब 1 -3 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया। अब देखिए -2 -1 से बनाया जा सकता, 2 1 से -2 -1 बनाया जा सकता है, सिंपली क्या किया -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस ऊपर वाली रो को अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दे तो नीचे वाली रो बन जाती है। इसी तरह इस कॉलम को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पहले वाला कॉलम बन जाता है। इसका मतलब यह है कि इन दो में से अगर एक कॉलम हो तो हम दूसरा कॉलम बना सकते हैं, तो एक कॉलम इंडिपेंडेंट है, एक कॉलम डिपेंडेंट है, इसका रैंक कितना हो गया 1, क्योंकि इंडिपेंडेंट कॉलम 1 है। ठीक है, रैंक के लिए हमने इलादा पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं मैट्रिसेस वाले चैप्टर में ना, मैट्रिसेस वाले से जो पिछले वाला मैट्रिस वाला लेक्चर था उसमें हम रैंक क्या होता है, इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, वो डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको उसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो चेक करिएगा। ठीक है, इसका रैंक जो है 1 है। अब रैंक जो है डायमेंशन के बराबर नहीं है तो ये सिस्टम ऑब्जर्वेबल तो नहीं हुआ, लेकिन ये कंट्रोलेबल है, क्योंकि कंट्रोल एक तो कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म में लिखा हुआ, दूसरा इसका रैंक भी 2 है, डबल चेक हो गया ना। अब ये ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म में है, ये ऑब्जर्वेबल तो होगा, अब इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, सी को ऊपर वाली लाइन में सी लिख दिया 01, इस तरह नीचे वाली लाइन में सी ए, जब सी को जब ए से मल्टीप्लाई कर, सी को जब ए से मल्टीप्लाई करेगा 01, जब 01 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, जब 01 -2 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ जाएगा। अब ऊपर वाली रो से नीचे वाली रो नहीं बना सकते, पहले वाले कॉलम से दूसरे वाला कॉलम नहीं बना सकते, तो इसका रैंक कितना हुआ 2। जब इसका रैंक 2 है तो ये सिस्टम ऑब्जर्वेबल है। इसी तरह जब बी है, यहाँ पे बी लिख दिया, बी की वैल्यू क्या 2 1 है, इसके साथ जब ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आया वो यहाँ पे लिख दिया, जब ए को बी से मल्टीप्लाई किया 0 -2 को जब 2 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया, इसी तरह 1 -3 को जब 2 1 से मल्टीप्लाई किया, जब 0 -2 को 2 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगी -2 आ गया, इस तरह 1 -3 को जब 2 -3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 -3 -1 आ गया। ठीक है, अब देखें इसमें इस रो से ऊपर वाली रो से नीचे वाली रो बनाई जा सकती है, इससे क्या करें 2 से डिवाइड कर दें, या नीचे वाली को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर वाली बनाई जा सकती है। इसी तरह इसको इस कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनाया जा सकता है, या आप इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनाया जा सकता है, मतलब दोनों में से कोई एक चीज हो तो दूसरी बना सकते हैं। तो इसका मतलब है इसमें इंडिपेंडेंट कितने हैं 1 है, जब इंडिपेंडेंट 1 है तो टोटल डायमेंशन कितनी है 2 है, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो इसका रैंक कितना हुआ 1 हुआ, जो फुल रैंक मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि जो मैट्रिक्स की डायमेंशन है और रैंक है दोनों सेम नहीं है, अगर दो डायमेंशन है दो ही रैंक होगा तो सिस्टम कंट्रोलेबल होता, तो ये सिस्टम कंट्रोलेबल नहीं है। अच्छा, लाजमी नहीं है कि एक सिस्टम कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म में हो तो वो कंट्रोलेबल हो ऑब्जर्वेबल ना हो, ये भी हो सकता है कंट्रोलेबल है और ऑब्जर्वेबल भी हो। इस तरह ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म में एक सिस्टम वो ऑब्जर्वेबल तो होगा, तो हो सकता है वो कंट्रोलेबल भी हो। ये एग्जांपल जानबूझ के ऐसे दिखाया गया है कि इसमें आप कंफ्यूज ना हो कि कंट्रोलेबल है तो लाजमी नहीं ऑब्जर्वेबल हो, ये कंट्रोलेबल है बट ऑब्जर्वेबल नहीं है, ये ऑब्जर्वेबल है बट कंट्रोलेबल नहीं है। अच्छा, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या होता है ये चेक करते हैं ना, स्टेट स्पेस के अंदर। अब देखिए x डॉट इज इक्वल टू
ए एक्स प्लस बी यू होता है ना, अगर हम इनपुट को जीरो कर दें तो यू की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स आ गया। ठीक है, एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स आ गया, इसका जब लैपलास लिया तो एक्स एस ऑफ एक्स माइनस एक्स ऑफ जीरो इज इक्वल टू ए एक्स ऑफ एस। ठीक है, इसमें से एक्स 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 ऑफ एस कॉमन लिया तो यहां क्या बन जाएगा, एस आई और माइनस, ठीक है ना, ए उधर जाकर ए उधर चला गया, ए इस तरफ आ गया, एक्स ऑफ एस इस तरफ आ गया, एक्स ऑफ जीरो सॉरी इस तरफ आ गया। जब ए इधर आया तो ए माइनस हो जाएगा इसमें से, जब ए माइनस हो गया तो एक्स ऑफ एस, देखिए ना ये भी एक्स ऑफ एस वाली टर्म है, ये भी एक्स ऑफ एस वाली टर्म है, इन दोनों को इकट्ठा करना है ना, ये उधर चली जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी, इसी तरह एक्स ऑफ एस जीरो इधर आ जाएगा तो ये इस तरह पॉजिटिव हो जाएगा। जब ए एक्स ऑफ एस माइनस ए एक्स ऑफ एस होगा, दोनों में से एक्स ऑफ एस कॉमन लिया जा सकता है, तो बीच में क्या रह जाएगा, एस आई माइनस ए, एस आई माइनस ए रह गया, एस आई माइनस ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, तुमने क्या कर दिया है, एक्स नॉट के साथ इनवर्स लेके मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये एक्स ऑफ एस बना, एक्स ऑफ टी निकालना चाहे तो इस सारे का क्या करते हैं, लैपलास इनवर्स लेते हैं, इस सारे का क्या किया, लैपलास इनवर्स लिया तो हमारे पास क्या निकला, एक्स ऑफ टी, एक्स नॉट ऑफ जीरो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ये एज इट इज रहेगी, एस आई माइनस ए का एस आई माइनस ए इनवर्स है ना, तो इसका मतलब क्या है, वन ओवर एस आई माइनस ए, एस माइनस ए का लैपलास होता है ई रेज पावर ए टी, एस आई माइनस ए लिखा हुआ तो ई रेज पावर ए टी, ए पूरा मैट्रिक्स एज इट इज। ठीक है, फाइ ऑफ स्टेट, फाइ ऑफ टी इज इक्वल टू स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, फाइ ऑफ टी किसके इक्वल है, पावर ए टी के, और ई रेज पावर ए टी क्या है, लैपलास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए। ठीक है, तो इस तरह हम स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालते हैं, एक्स ऑफ टी नॉट निकालना हो तो पहली वाली वैल्यू हो जाती है, इसी तरह एक्स ऑफ जीरो निकालना हो तो ए टी नॉट, यहां पे टी नॉट आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास स्टेट ट्रांजिशन एक्स ऑफ टी निकालना हो तो फाइव इंटू टी माइनस टी नॉट एक्स ऑफ जीरो आता है, क्योंकि इनिशियल वाली वैल्यू हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं, और यहां पर टी ऑफ जीरो आया तो टी जीरो का मतलब क्या है, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स हो गया। आइगन वैल्यूज चेक करते हैं कि आइगन वैल्यूज क्या रोल प्ले करती हैं स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन के अंदर। देखिए, ए हमारा स्टेट मैट्रिक्स होता है, ए स्टेट मैट्रिक्स की हम आइगन वैल्यूज फाइंड कर लें तो वो सिस्टम की स्टेबिलिटी बताती है। ठीक है, अगर ए फर्ज करें ये एक मैट्रिक्स है, इसके आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ए लैम्डा आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं और फिर उसको इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। जब लैम्डा के साथ आई वाली वैल्यूज ली, माइनस उसमें से ए कर दिया, तो ए वाले सारे के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, यानी कि जहां पॉजिटिव है वहां माइनस हो जाएगा, यहां माइनस है वहां पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा आई माइनस ए से वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। आई का मतलब क्या है, आइडेंटिटी के ऊपर वैल्यूज है, तो यहां पे आइडेंटिटी के ऊपर लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा प्लस सिक्स आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह लैम्डा आई माइनस ए का जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये लैम्डा के साथ लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस सिक्स मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस इलेवन, इनके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इलेवन आ गया ना, तो ये क्या बनना चाहिए, लैम्डा के साथ लैम्डा स्क्वायर प्लस सिक्स लैम्डा प्लस इलेवन। ठीक है, तो लैम्डा स्क्वायर क्या बन जाएगा, जब ये लैम्डा उसके साथ मल्टीप्लाई आएगा तो लैम्डा क्यूब बन जाएगा, सिक्स लैम्डा क्या बन जाएगा, सिक्स लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा, प्लस इलेवन क्या बन जाएगा, प्लस इलेवन लैम्डा बन जाएगा, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई होना साथ, दूसरे वाला माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, नेगेटिव माइनस माइनस प्लस, अब जीरो के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा जीरो आ जाएगा, माइनस और माइनस सिक्स, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस सिक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स बनाए तो लैम्डा प्लस वन, लैम्डा प्लस टू, लैम्डा प्लस थ्री बनते, तो इसका मतलब है इसकी तीन आइगन वैल्यूज है, एक लैम्डा इज इक्वल टू माइनस वन के ऊपर, एक लैम्डा इज इक्वल टू माइनस टू के ऊपर, एक लैम्डा इज इक्वल टू माइनस थ्री के ऊपर। अच्छा, ये तीनों आइगन वैल्यूज नेगेटिव है, नेगेटिव है तो ये इसका मतलब क्या है जी, ये लेफ्ट हाफ प्लेन में है,
तो ये लेफ्ट हाफ प्लेन में है तो ये सिस्टम क्या है, स्टेबल है। ठीक है, अगर सारी की सारी आइगन वैल्यूज नेगेटिव हो यानी कि लेफ्ट हाफ प्लेन में हो तो सिस्टम स्टेबल होता है। अगर कोई एक भी वैल्यू राइट हाफ प्लेन में चली जाए यानी कि पॉजिटिव हो जाए तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। अगर सारी की सारी नेगेटिव हो और एक जीरो हो यानी कि एक ओरिजिन के ऊपर हो तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होता है। सही है, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन की कुछ एग्जांपल देखते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अब देखिए स्टेट स्पेस में हम क्या करते हैं, nth ऑर्डर को n सिंगल ऑर्डर इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। n सिंगल ऑर्डर इक्वेशन में स्टेट वेरिएबल हमें क्या कहते हैं, टी जीरो से टी नॉट तक हमें उस सिस्टम का सारा रिस्पॉन्स बता देता है। अब देखें nth ऑर्डर सिस्टम से n सिंगल, ये एक nth ऑर्डर सिस्टम है, वाई ऑफ n इसका nth ऑर्डर है, फिर n माइनस वन है, चलते 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 y खत्म हो जाता है ना, तो ये एक nth ऑर्डर सिस्टम है। इससे हम क्या करते हैं, n सिंगल ऑर्डर इक्वेशन बनाते हैं। n सिंगल ऑर्डर इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले n वेरिएबल्स सिलेक्ट करते हैं, n स्टेट वेरिएबल्स सिलेक्ट करते हैं। जब n स्टेट वेरिएबल्स सिलेक्ट करते हैं तो x1 फर्ज करें, x1 जो है उसको यहाँ पे जो पहला वेरिएबल आ रहा होता है y, x1 इज इक्वल टू y कर देते हैं, इस तरह x2 इज इक्वल टू y डॉट कर देते हैं यानी कि y का पहला डेरिवेटिव, x3 इज इक्वल टू y का तीसरा दूसरा डेरिवेटिव, x4 इज इक्वल टू y का तीसरा डेरिवेटिव, x ऑफ n इज इक्वल टू y ऑफ n माइनस वन तक जाते हैं। ठीक है, इतने वेरिएबल्स ले लेते हैं। देखें अब जब x x1 इज इक्वल टू y कर दिया, ठीक है x1 इज इक्वल टू y कर दिया तो x1 डॉट क्या बनेगा, x1 डॉट क्या बनेगा, x1 डॉट इज इक्वल टू, x1 डॉट इज इक्वल टू y डॉट, और y डॉट किसके इक्वल है, x2 के। इस तरह x2 डॉट क्या बनेगा, y डबल डॉट यानी कि y का दूसरा डेरिवेटिव, और y का दूसरा डेरिवेटिव किसके इक्वल है, x3 के। इस तरह x ऑफ n माइनस वन क्या बनेगा, x ऑफ n माइनस वन यानी कि x का nth डेरिवेटिव और वो n माइनस वन डेरिवेटिव और वो क्या है, x ऑफ n। ये सबसे एंड वाली इक्वेशन जो है हम सिस्टम से फाइंड करेंगे। अब मुश्किल लग रही थी, अभी एक एग्जांपल करते हैं तो आप आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, एंड पे क्या हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ डायगोनल के एंड के ऊपर वैल्यूज आ जाएंगी, ए मैट्रिक्स के ऊपर यहाँ पे सारा जीरो जीरो आ जाएंगे और इधर यहाँ पे वन 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 आ जाए। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं तो देखें सी ट्रिपल डैश प्लस नाइन सी डबल डॉट प्लस ट्वेंटी सिक्स सी प्लस ट्वेंटी फोर सी इज इक्वल टू 24R। अब देखिए ये कितने ऑर्डर की क्वेश्चन है, तीसरे ऑर्डर की है ना, तीन दफा डॉट डॉट लिखा हुआ है ना, यानी कि तीसरे ऑर्डर की क्वेश्चन। जब थर्ड ऑर्डर की क्वेश्चन है तो हम तीन स्टेट वेरिएबल ऐड करेंगे, तीन स्टेट वेरिएबल में पहला x1, दूसरा x2, तीसरा x3। पहले को c के इक्वल पुट कर दिया, दूसरे को c डॉट के इक्वल पुट कर दिया, तीसरे को c डबल डॉट के इक्वल पुट कर दिया। ठीक है, ये सिंपल आ गया। अब मैंने कहा था nth ऑर्डर सिस्टम से n सिंगल ऑर्डर इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, n तीन है, तीसरा ऑर्डर सिस्टम है, तीन वेरिएबल लेट कर दिए, अब हमने तीन सिंगल ऑर्डर इक्वेशन बना दी। तीन सिंगल ऑर्डर इक्वेशन कैसे बनेगी, एक x1 डॉट हो जाएगा, दूसरा x2 डॉट हो जाएगा, तीसरा x3 डॉट आ जाएगा, तो यही तीन सिंगल ऑर्डर इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिए x1 डॉट लें तो x1 डॉट किस इक्वल बनता है, c डॉट के इक्वल, और c डॉट किसके इक्वल है, x2 के। तो x1 डॉट क्या बना, x2 बना। इस तरह x2 डॉट किसके इक्वल बनता है, c का डबल डेरिवेटिव है ना, लेकिन x2 इक्वल है c का फर्स्ट डेरिवेटिव। x2 का डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, c के सेकंड डेरिवेटिव के, और c का सेकंड डेरिवेटिव किसके इक्वल है, x3 के। ठीक है, इस तरह सिंपल देखें, x क्या था, c के इक्वल था, x का डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, c के डेरिवेटिव के, और c का डेरिवेटिव किसके इक्वल है, x2 के। x1 डॉट इज इक्वल टू x2 आ गया, x2 डॉट इज इक्वल टू x3 आ। अब x3 डॉट कैसे फाइंड करें, x3 डॉट हमेशा हम जो हमारे पास सिस्टम की इक्वेशन है उसी से फाइंड किया करें। ठीक है, ये सिस्टम की इक्वेशन आ गई, क्योंकि देखें x3 डॉट क्या हो जाएगा, सिस्टम c का तीसरा डेरिवेटिव, x3 डॉट क्या बना, c का तीसरा डेरिवेटिव, और सिस्टम के अंदर आए यही वाले वैल्यूज पुट करें, x3 डॉट क्या बना, c का तीसरा डेरिवेटिव, ये सी का तीसरा डेरिवेटिव है। ठीक है, ये एक्स थ्री डॉट बन गया।
अब सी का दूसरा डेरिवेटिव किसके इक्वल है, सिंपल एक्स थ्री के। सी का पहला डेरिवेटिव किसके इक्वल है, सिंपली एक्स टू के। सी किसके इक्वल है, एक्स के। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है, एक्स थ्री डॉट निकालना है। ये एक्स थ्री डॉट है, ये एक्स थ्री है, ठीक है, ये एक्स टू है, ये क्या है, एक्स वन है ना, सिंपल एक्स है, यानी कि एक्स वन है। अब ये एक्स वन के इक्वल है, ये एक्स टू के इक्वल है, ये एक्स थ्री के इक्वल है, और ये एक्स थ्री डॉट के इक्वल है। अब एक्स थ्री डॉट निकालना है तो ये वाली सारी वैल्यूज उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो 24R, और यहां पे देखो C की जगह X1 लिख दिया, माइनस 24X1। इस तरह C डॉट है, इसको क्या कर देंगे, X2 लिख देंगे, माइनस 26X2। C डबल डॉट है तो X3 आ जाएगा, माइनस 9X3। सिर्फ एंड वाली जो इक्वेशन है ना, ये बस स्टेट स्पेस मॉडल वाले से निकालनी है, बाकी सारी इक्वेशंस आपकी इसी तरह होंगी। अगर फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन है तो एक्स वन डॉट इज इक्वल टू एक्स टू, एक्स टू डॉट इज इक्वल टू एक्स थ्री डॉट इज इक्वल टू एक्स फोर, और एक्स फोर की इक्वेशन आप यहां से निकाल, मतलब सबसे एंड वाली जो इक्वेशन है वो आपने यहां से निकाल। ठीक है, यहां पे वाई इज इक्वल टू सी गिवन है, तो सी किसके इक्वल है, एक्स वन के इक्वल है, तो वाई इज इक्वल टू एक्स वन। अच्छा, इस सिस्टम के हम डायग्राम भी बना सकते हैं, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स वन के इक्वल है, तो x1 को इक्वल टू y कर दिया, x1 सीधा सीधा y चला गया। ठीक है, अब दूसरा देखें, x1 का अगर डेरिवेटिव लें तो वो क्या बनता है जी, x2 बनता है। इसी तरह x2 का डेरिवेटिव लें तो x3 बनता है, x3 का डेरिवेटिव लें तो वो x3 डॉट बनता है। अब देखिए, x3 डॉट से हमने x बनाना हो तो हम क्या करते हैं, उसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। x3 डॉट से x2 बनाना हो तो हम उसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। x2 डॉट से हमने x1 बनाना हो तो उसकी हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो हमने सारे स्टेट वेरिएबल इंटीग्रेशन की मदद से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। जैसे हमने स्टेट स्पेस सिस्टम के अंदर ब्लॉक डायग्राम बनाई थी, x डॉट से हम x कैसे बनाते थे, इंटीग्रेट कर लेते थे। इसी तरह ये मल्टीपल ऑर्डर है, वो सिंगल ऑर्डर थी, मल्टीपल ऑर्डर है। एक्स वन डॉट से एक्स थ्री डॉट से जब एक्स थ्री बनाया तो इंटीग्रेशन कर लिया, एक्स थ्री से एक्स टू बनाया तो इंटीग्रेशन कर लिया, एक्स टू से एक्स वन बनाया तो इंटीग्रेशन कर लिया। अब ये एक्स वन आकर, एक्स वन को आपने क्या करना है, 24 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक्स वन से 24 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दे, एक्स टू को 26 से मल्टीप्लाई करना है, एक्स टू को 26 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर, एक्स थ्री को 9 से मल्टीप्लाई करना, एक्स थ्री को 9 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर। ठीक है, और प्लस 24R, R जो है इनपुट के साथ 24 मल्टीप्लाई कर दे और इसमें ऐड कर दे, तो इस सारे के आउटपुट क्या बनेगी, एक्स थ्री डॉट। सही ना, ये एक्स थ्री डॉट के इक्वल है, एक्स थ्री डॉट के इक्वल है। एक्स थ्री से एक्स टू बनाना हो तो एक्स थ्री से हमने एक्स टू बनाना हो तो इंटीग्रेट कर लेते हैं, एक्स टू से एक्स वन बनाना हो तो उसकी इंटीग्रेशन कर लेते। ठीक है, इस तरह हम सिस्टम का स्टेट स्पेस मॉडल बना सकते हैं। अच्छा, इससे हम क्या करते हैं, ट्रांसफर फंक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, स्टेट स्पेस की मदद से पोल्स कैसे चेक कर सकते हैं, स्टेबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं वो देखते हैं ना। हम देखिए, हमें ये एक स्टेट स्पेस मॉडल दिया गया, x डॉट इज इक्वल टू ये ए एक्स है, ये a की वैल्यू है, प्लस बी यू ये b की वैल्यू है, y इज इक्वल टू सी एक्स ये c की वैल्यू है, और d की वैल्यू क्या है, जीरो है। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं, सी एस आई माइनस ए का इनवर्स के साथ b मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस d करते हैं। अब देखिए, d यहां पे जीरो है तो ये चीज खत्म हो गई ना, हमें सिर्फ यही फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहां d है नहीं, तो हमें सी एस आई माइनस ए इनवर्स और इसके साथ बी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले एस आई माइनस ए इनवर्स निकालते हैं, एस आई माइनस ए निकाला तो ये क्या बन जाएगा, डायगोनल के ऊपर एस एस आ जाएगा और इसके सारे वाली वैल्यू माइनस हो जाएंगे, ये माइनस वन आ गया, ये प्लस वन टू और थ्री आ गया। ठीक है, इसका जब हम इनवर्स निकालेंगे तो इसका इनवर्स हम मैट्रिस वाले चैप्टर में देख के आ चुके हैं ना, एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट के लिए हम कोफैक्टर निकालते हैं, और वो सारी डिटेल्स आप मैट्रिसेस वाले चैप्टर में देख लेना, जिनके से जो पिछले वाला लेक्चर था उसमें। इसका हमने इनवर्स निकाल लिया,
ठीक इन्वर्स निकाल लिया। जब हमने इसका इन्वर्स निकाल लिया, सी एस आई माइनस ए का इन्वर्स निकल आया, तो उसके साथ पहले क्या करना, सी मल्टीप्लाई कर देना है और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन क्या करनी है, बी से मल्टीप्लाई कर देना। जब सी और बी से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका हमें क्या मिल गया, ट्रांसफर फंक्शन मिल गया। ये डिवाइड पता है क्या चीज हो रही है, ये डिटर्मिनेंट डिवाइड हो रहा है, जो अपने इनवर्स निकालते हुए ये डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं वो नीचे आ रहा सबके, ठीक है। एडजॉइंट आ गया, नीचे डिटर्मिनेंट आ गया। इसी चीज को जब सी से मल्टीप्लाई करेंगे और आठ पे बी से मल्टीप्लाई करेंगे, देखें ये वाला क्या करेगा, जब इससे मल्टीप्लाई होंगे तो सिर्फ पहले वाली लाइन की पहली पहली वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि दूसरे दोनों जीरो जीरो हैं। यहाँ पे क्या निकलेगा, एस के प्लस थ्री एस प्लस टू आ जाएगा, यहाँ एस प्लस थ्री आ जाएगा, यहाँ वन आ जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ पहली पहली वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, दोनों वाली बाकी वैल्यूज जीरो हैं। अब जब ये पहले वाली वैल्यूज एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस टू एस प्लस थ्री और वन जब इससे मल्टीप्लाई होंगे तो इसकी ये नीचे वाली दोनों वैल्यूज जीरो है, तो ये भी जीरो हो जाएगी और अगला वन भी जीरो हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, टेन के साथ एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा। इसके नीचे से अगर आप इसके पोल्स निकालें तो इसकी स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है, इसके पोल्स निकाल के स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसका हम कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स भी चेक कर सकते हैं, ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स भी चेक कर सकते हैं ना। तो पहले पहली एग्जांपल में हमने सिर्फ ट्रांसफर फंक्शन फाइंड किया, एक और एग्जांपल देखते हैं ना, टू क्रॉस टू के केस में। अब देखिए एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी जो है, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है और सी की वैल्यू ये है। सबसे पहले क्या किया, एस आई माइनस ए का इनवर्स, एस आई माइनस ए फाइंड कर लिया। अब ये जो ए की आइगन वैल्यूज हैं या ए के क्या कहते हैं जो रूट्स हैं, वही सिस्टम की स्टेबिलिटी बता देते। एस आई माइनस ए निकाला तो एस प्लस स्क्वायर इंटू थ्री एस प्लस टू जो है ये इस बना, इससे सिस्टम के दो रूट्स निकले, एस इज इक्वल टू माइनस वन और एस इज इक्वल टू माइनस थ्री। अब ये दोनों रूट लेफ्ट हाफ प्लेन में लाइक आ रहे हैं तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल हो गया। अगर इन दोनों में से कोई एक भी राइट साइड पे चला जाता तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता। इसी तरह हमने सिस्टम की अगर कंट्रोलेबिलिटी चेक करनी है, कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स लेंगे, बी देखिए पहले बी लिख लिया, वन जीरो लिख दिया, फिर ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ जाएगा, जीरो वन आ जाएगा। इसी तरह इसका जब हम रैंक चेक करेंगे, इसका रैंक टू है तो सिस्टम क्या हो जाएगा, कंट्रोलेबल हो जाएगा। इस तरह ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स में सी और ए के साथ मल्टीप्लाई किया, उसका रैंक चेक किया, उसका रैंक भी टू है तो डायमेंशन भी टू है तो सिस्टम क्या हो जाएगा, कंट्रोलेबल भी हो जाएगा, ऑब्जर्वेबल भी हो जाएगा। इसी तरह हम कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो तो उससे भी हम सिस्टम की कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी देख सकते हैं। जैसे देखें ये कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म में है, जब ये कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म में तो ये सिस्टम कंट्रोलेबल होगा ना, ये कंट्रोलेबल फॉर्म में। इस तरह ये ऑब्जर्वेबल फॉर्म में है तो ये सिस्टम ऑब्जर्वेबल होगा। इसको हम ऑब्जर्वेबिलिटी चेक भी कर लेते हैं, इसकी कंट्रोलेबिलिटी भी इसी तरह चेक कर सकते हैं। सबसे पहले बी लिया, फिर ए बी लेके हमने क्या कर दिया, इसका इसका रैंक चेक किया तो रैंक ऑफ यू टू निकला, क्योंकि देखे ना इस रो से आप ये वाली रो नहीं बना सकते। इसी तरह इसका रैंक कितना निकला, वन निकला, क्योंकि ऊपर वाली रो से आप नीचे वाली बना सकते हैं माइनस वन से मल्टीप्लाई कर, पहले वाले कॉलम से दूसरे वाला कॉलम बना सकते हैं टू से डिवाइड कर दे, मतलब एक इंडिपेंडेंट है एक डिपेंडेंट है, एक हो तो दूसरा बना सकते हैं, इसका रैंक वन हो गया। जब इसका रैंक वन है तो ये सिस्टम ऑब्जर्वेबल नहीं है। इस तरह नीचे देखिए, अब ये कंट्रोलेबल मैट्रिक्स है, पहले में बी लिख दिया, दूसरे में बी को ए से मल्टीप्लाई करके लिखा, अब इसी तरह इससे हम दूसरे वाला कॉलम बना सकते हैं तो उसका रैंक भी वन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम सिस्टम की कंट्रोलेबिलिटी, ऑब्जर्वेबिलिटी और स्टेबिलिटी ट्रांसफर फंक्शन स्टेट स्पेस की मदद से निकाल सकते हैं। आप करंट ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसमें जो भी इम्प्रूवमेंट आप समझते हैं कि हमें करनी चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताइएगा। थैंक यू।